चलिए दोस्तों, तो फाइनली हमें लिफ्ट मिल चुकी है। तो आज जो हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था, काठमांडू से सफ़र स्टार्ट हुआ था, तो आज की जो हमारी लिफ्ट है ये सेकंड लिफ्ट है और एटलीस्ट 100 किलोमीटर्स की हमें ऑलरेडी लिफ्ट मिल चुकी थी और भैया ने हमें करीब करीब 50-60 किलोमीटर्स की लिफ्ट दी है। और भैया का नाम कनिष्क है और इनके साथ मिलकर काफ़ी मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर जो बाइक्स के साथ हम लोग राइड कर रहे हैं वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखोगे तो चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल देखने को मिलेंगे और चारों तरफ काफ़ी हरे भरे पहाड़ आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर कई सारे आपको साइड में विलेज भी देखने को मिलेंगे और भी बहुत अच्छा सुंदर सा नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप काठमांडू से जनकपुर की तरफ जा रहे हैं, इधर जो रोड पड़ता है वो सिंधली रोड पड़ता है, तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोस्तों अगर आप लोग सिंगली रोड पर आ रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं आपको कई सारे माउंटेंस देखने को मिलेंगे। इधर जो माउंटेंस है वो काफ़ी बिगेस्ट साइज़ के हैं और काफ़ी बड़े बड़े हैं। उनकी अगर हाइट की बात करें तो एटलीस्ट 3 से 4 हज़ार तक उनकी हाइट जाती है और यहाँ पर काफ़ी डिफ़िकल्ट रोड है, तो आप थोड़ा संभल कर ड्राइविंग करना। अगर आप इंडिया से अपनी खुद की बाइक लेकर आ रहे हैं तो इधर आपको थोड़ा सा संभल कर ड्राइव करना, क्योंकि रोड बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और साइड में काफ़ी बड़ी और गहरी खाई रहती है। अगर आपने थोड़ी सी भी यहाँ पर गलती की, चूक की, तो आप सीधा का सीधे नीचे की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग इंडिया से नेपाल को विज़िट करने के लिए आ रहे हैं तो आप लोग सिंधुली रोड को बिल्कुल भी विज़िट करना ना भूलें, क्योंकि सिंधुली रोड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है नेपाल के अंदर और काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको व्यू देखने को मिल जाएगा। और नेपाल का सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन पॉइंट सिंधुली रोड है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े माउंटेंस आपको देखने को मिलेंगे और कई सारे विलेजेस आपको देखने को मिलेंगे नीचे की तरफ। और ये जो रूट है वो काफ़ी लंबा रूट है और यहाँ पर जो रूट है वो तलहटी को जोड़ता है। बेसिकली अगर आप जनकपुर की तरफ जाओगे तो ये कनेक्ट करता है बेसिकली तलहटी को। और दोस्तों अगर आप लोग नेपाल को विज़िट करने के लिए आ रहे हैं तो सिंधुली रोड को विज़िट करना ना भूलें, काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर दृश्य देखने को मिल जाएगा और बहुत ही सुंदर रोड है, आप लोग ज़रूर से विज़िट करना। और यहाँ पर हम लोग बाइक से ड्राइव कर रहे थे तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर ख़तरनाक मंजर देखने को मिल सकता है आपको। किसी भी टाइम आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, तो आप जब भी ड्राइव करो थोड़ा संभल कर ड्राइव करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और भैया के साथ हमें काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा था। आप लोग देखोगे तो चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी क्योंकि बरसात का सीज़न है, तो और दोस्तों आपको कई जगह हल्की हल्की बारिश भी देखने को मिल जाती है इस रूट पर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे हैं तो हल्की हल्की बारिश होती रहती है। आप इस बारिश का आनंद ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा रहा हमारा सफ़र और भैया को थैंक यू। दोस्तों रास्ते में हमें एक चीज़ देखने को मिली जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है पहाड़ी मिर्ची। बिल्कुल बारीक बारीक टमाटर की तरह लग रही थी तो मैंने समझा ये टमाटर है, तो ये बेसिकली पहाड़ी मिर्ची है। अगर आपने नहीं देखी दोस्तों, तो अगर हम बात करें सिंधली रोड की, तो इसकी जो लंबाई है 160 किलोमीटर्स है और इसको जो बनाया गया है वो जापान की सहायता से इस रोड को बनाया गया है, सिंधली रोड को। और जो इसका बनाने का मेन मकसद था वो बेसिकली यात्रा का समय काफ़ी कम करना था और जो भी रसद सामग्री औद्योगिक क्षेत्र की सामग्री उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके, इसके लिए बनाया गया है रोड बेसिकली। और अगर हम बात करें तो इससे जो आसपास के लोग हैं उनकी आजीविका में काफ़ी अच्छा सुधार भी हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं रोड काफ़ी सुपर है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस इंडिया से नेपाल को विज़िट करने आ रहे हैं तो इस रोड को अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा सुपर है। और जो कि आप लोग पहाड़ी पर बनाया गया है, काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है पहाड़ी पर रोड बनाना और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो
काफ़ी टाइम लगा इसके कंस्ट्रक्शन में। ऑलमोस्ट जो काम स्टार्ट हुआ था वो नवंबर में 1996 में स्टार्ट हुआ था और 2015 में जाके ख़त्म हुआ, तो काफ़ी टाइम लग गया इस कंस्ट्रक्शन होने में। दोस्तों रास्ते में हमें कई सारी ऑर्गेनिक फूड देखने को मिले, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने कुछ केले परचेज़ किए, तो आप लोग वहाँ के केले देखोगे तो काफ़ी छोटा साइज़ है और वो खट्टे भी रहते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का इंडिया टू नेपाल जर्नी में स्वागत है। तो मेरी आज जर्नी चल रही थी जनकपुर, तो भैया ने हमें लिफ्ट दिया था, एटलीस्ट 50 किलोमीटर्स का लिफ्ट था जो कि पूरा पहाड़ी एरिया में है। अगर आप देखोगे मैप पर तो आपका पूरा पहाड़ी व्यू देखने को मिलेगा, सिर्फ और जंगल ही जंगल है, उधर लिफ्ट लेना काफ़ी मुश्किल था और भैया ने हमें लिफ्ट दिया। और एक जगह और है, भैया ने हमें देखा था, मतलब खुले लाल पे मैं लिफ्ट ले रहा था तो भैया ने क्या किया, मतलब वहाँ से लिफ्ट नहीं दिया क्योंकि इनके पास लाइसेंस नहीं है नेपाल का, तो इसलिए इन्होंने थोड़ा आगे जाके पर्ची कटाया। एक मैं आपको बता दूंगा वीडियो के अंदर, जो नेपाली चालान है बेसिकली, तो वो उन्होंने कटाया, फिर आगे जाके इन्होंने हमें लिफ्ट दिया, तो काफ़ी मज़ा आया सफ़र के अंदर। तो भैया आपका क्या नाम है? मेरे सिस्टर। भैया का नाम कनिष्क है, तो भैया से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। और ये भैया की बाइक है जिस पर हम लोग आए, बहुत हमने बहुत कुछ जाना है और बहुत कुछ जानने को मिला इधर, और भैया के साथ काफ़ी सारी बातें की। और नेपाल के भैया यहाँ, नेपाल से भैया हैं यहाँ तक आए थे, यहाँ तक हमें ड्रॉप कर दिया। अब जनकपुर एटलीस्ट 50 किलोमीटर्स होगा जो आज हमारा कवर हो जाएगा, तो देखते हैं फिर, तो मिलेंगे फिर सफ़र में। तो भैया को थैंक यू और फिर मिलेंगे किसी और सफ़र में। भैया आप कुछ कहना चाहोगे? ठीक है, अच्छा लगा मिलके अच्छा लगा, थैंक यू, बाय। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये है नेपाली चालान, तो भाई का नेपाली चालान ऑलरेडी कट चुका है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बाइक का चालान है जो कि इंडिया में कुछ अलग तरीके से कटता है, और यहाँ पर ये